नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंटू कुमार और मैं इस समय शहीदों के बास जो मोहल्ला है यहां पर खड़ा हुआ हूं। यहां पर गत रात्रि को एक जम्मन डीजल्स के नाम से एक दुकान है, इस दुकान में रात्रि अज्ञात कारणों से आग लग गई है और आग लगने से करीब 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। हम सुबह जैसे हमको सूचना लगी तो हम यहाँ पर पहुँचे हैं और आग लगने की सूचना के बाद नारायणपुर पुलिस भी यहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पर आग लगी है दुकान में। हम उस दुकान मालिक से बात करने की कोशिश करेंगे, आखिरकार इनके कितना नुकसान हुआ है, कारण जो आग लगने का जो कारण है वो क्या है, किस कारणों की वजह से ये आग लगी है। गत रात्रि को जो आग लगी थी जम्मू डीजल की जो दुकान है, यहाँ पर जो डीजल पंप्स रिपेयरिंग का कार्य किया जाता था, वो दुकान मालिक हमारे साथ है मदनलाल सैनी जो कोटपुतली निवासी हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये जो आग लगी है क्या कारण रहा है और कैसे आग लगी है, कितना नुकसान हुआ है। सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगा, आप कल जो दुकान बढ़ा के गए कितने बजे बढ़ा कर गए थे, आग लगने का कारण क्या है? 5 बजे दुकान बढ़ा के गया था मैं। आग लगने का कारण तो मैं बता नहीं सकता, वो ऊपर वाला जाने कैसे लगी है। बाकी मैं 5 बजे दुकान बढ़ा कर घर चला गया था। सुबह मेरे को 6:30 से 6:15 बजे पता लगा कि दुकान में आग लग गई। किन के द्वारा आपको पता चला है? मेरे पड़ोसियों के द्वारा पता लगा आग लग गई। अगर जैसे नुकसान की बात करें तो कितना नुकसान हुआ है? जैसे ये 4-5 लाख रुपए का नुकसान हो गया सर। नुकसान में जैसे सामान जो जले हैं क्या क्या सामान है? वो डीजल पंप मशीन है, टेस्टर है, रिपेयरिंग टेबल है, काउंटर है और चाबी पाने हैं और भी पार्ट्स हैं। आप जैसे दुकान जो कर रहे हैं कितने समय से यहाँ दुकान कर रहे हैं नारायणपुर कस्बे में? यहाँ 13 साल से दुकान कर रहा हूँ मैं नारायणपुर कस्बे में, 13 साल से रह रहा था मैं। डीजल पंप जो रिपेयरिंग वगैरह का है वो कार्य देख रहे हैं? हाँ, डीजल पंप का रिपेयरिंग का कार्य 13 साल से मैं यहीं देख रहा हूँ। आपने जैसे अभी पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची, तो पुलिस क्या कयास लगा रही है, क्या जांच होगी? अब वो तो जांच में ही पता लगेगा क्या होता है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आप जैसे प्रथम अगर दृष्टांत पर बात करें, आग लगने का कारण क्या हो सकता है आपके अनुसार? अब देखो ये तो मैं तो नहीं कह सकता, अब ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है या कोई और भी कोई जैसे तार गिर गया हो, कुछ भी हो गया होगा। वैसे कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई, मेरी किसी से दुश्मनी भी नहीं है यहाँ किसी से, यहाँ बहुत बढ़िया परिवार जैसा रहता था मैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं एक बड़ा नुकसान हुआ है, 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान ये बता रहे हैं जम्मन डीजल्स जो दुकान है, अज्ञात कारणों का के कारणों से ये आग लगी है। लेकिन जो प्रथम दृष्टांत अगर अपन यहाँ माने तो शॉर्ट सर्किट का यहाँ बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो शहीदों का बास सरदारा वाली जो गली है, इसमें और भी यहाँ काफ़ी आबादी क्षेत्र है, गनीमत रही कि यहाँ पर कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। एक दुकान ही थी जो उस दुकान का ही सामान जला, लेकिन अगर अपन बात करें तो पास में भी एक दुकान थी, इसमें किताबें वगैरह भी रखी थी, पास में आबादी क्षेत्र था, यहाँ और भी परिवार थे, बड़ा एक हादसा हो सकता था। लेकिन भगवान की गनीमत रही तो जो मदन लाल जी थे इन्हीं की दुकान में केवल ये आग समट कर रह गई और काफ़ी नुकसान हुआ है ये। पुलिस भी इसकी अभी यहाँ मौके पर पहुँच कर जाँच की है, वो तो अब जाँच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार आग लगने का क्या कारण रहा है। तो हम यहाँ पर मौके पर मौजूद थे, हमारे साथ पुलिस हेड कांस्टेबल हैं जीत राम जी, इनसे बात करेंगे। इन्होंने यहाँ स्थिति पर आकर मौका स्थिति देखी है, कितना नुकसान हुआ है, कारण क्या रहा है आग लगने का। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा जो आग लगी है कारण क्या है इसका आग लगने का? कारण तो अज्ञात ही बता रहे हैं। हमें सूचना सुबह टेलीफोन से सूचना मिली कि शहीदों के पास में कोई मदन लाल सैनी है, उसकी दुकान में आँच लगी रात को। तो आया मदन लाल जी खड़े हैं यहीं पे, इनसे संपर्क किया है तो ये बता रहे हैं कि मैं 5 बजे कल दुकान को अच्छी तरह से बंद करके गया था और मेरे पड़ोसी ने, यहीं मकान के दुकान के पड़ोसी ने सुबह ही सूचना दी कि आपकी दुकान में आँच लगी। तो बता रहा है कि मैंने आके देखा था, तब तक तो इसमें जल चुका था सब कुछ। रात को कब कैसे आँच लगी है, कब लगी है, ये अभी कुछ नहीं हुआ क्लियर। आँच के कारणों का प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कोई शॉर्ट सर्किट से हो, बाकी जांच होगी किस कारण से आँच लगी, कैसे लगी। सर अपन अगर नुकसान की बात करें तो कितना नुकसान, जैसे मालिक से अगर आपको जैसे पता क्या मदन लाल जी से पता क्या है कि मेरी ये दुकान डीजल पंप 4-व्हीलर रिपेयर की दुकान है, इसमें मेरे एक तो कोई मशीन ही बता रहा है 3 लाख के करीब की, तो और भी काफ़ी सामान बता रहा है कीमती जो 4-5 लाख के करीब बता रहा है फिलहाल। तो आगे जांच में जैसा भी सामना आएगा तय किया जाएगा।
तो ये थे हमारे साथ हेड कांस्टेबल जीतराम जी। ये बता रहे हैं कि अज्ञात कारणों की वजह से आग लगी है, और जैसे कि जो दुकान मालिक मदनलाल सैनी से इनकी जो बात हुई है या मौका रिपोर्ट उन्होंने बनाई है, 4 से 5 लाख रुपए का वो नुकसान बता रहे हैं। उसमें मुख्य जो मशीन है इनकी डीजल नोजल जो पंप की जो रिपेयरिंग की जो मशीन है वो जलना बताया जा रहा है, जो लगभग 3 लाख से अधिक रुपए की है, और उनके साथ जो कई महत्वपूर्ण इनके जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी जलना बताया जा रहा है। आखिरकार पुलिस जो है उसकी जाँच पूर्ण रूप से कर रही है, उसके बाद एक्चुअली पता चल पाएगा आग के कारणों का। कैमरामैन मुरारी मीणा के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नज़र।